तो महारानी को आज फुर्सत मिली गई? अरे यार, तेरे को तो पता ही है ना कि घर में कितना काम रहता है, इसीलिए आज तेरे को यहाँ बुला लिया। मतलब इतना काम रहता है कि अपनी दोस्त से मिलने का भी टाइम नहीं है? आऊंगी, घर पे भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। तू यहाँ यहाँ बैठ तू। अरे क्या हुआ, यहाँ पर क्यों खींच के लाई है? अरे मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी काम था यार। क्या हुआ, बिना काम के तो वैसे तू मिलेगी नहीं, चल अब बता दे। ऐसा नहीं है यार, बिना काम के भी मिलती थी मैं तुझसे, पर आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पता है ऐसा क्या जरूरी जो तू यहाँ खींच लाई? तू मैथ में बहुत इंटेलिजेंट थी ना कॉलेज में? हाँ हाँ, वो तो अब भी हूँ। देख यार, मेरा ना एक देवर है, तो तू उसे ट्यूशन पढ़ा देगी क्या? छोटा है क्या वो? छोटा नहीं है, बुद्धू है, 12वीं में 3-4 बार फेल हो चुका है। अच्छा, मतलब तेरी तरह है। मैं बुद्धू नहीं थी, मैं होशियार थी। अरे बता ना, पढ़ा देगी ना? ठीक है, पढ़ा दूंगी बाबा। ठीक है यार, तो कब से भेजूं उसे? एक काम करना, आज से ही भेज दे। वैसे ही मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मैं घर में फ्री रहती हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, हाथ से ही भेज देती हूँ। अच्छा अब ये बता कि तू फीस कितनी लेगी, मतलब फ्री में ट्यूशन? हाँ, भेज दियो हाथ से। सही है। अच्छा अब मैं चल रही हूँ, घर पर बहुत सारा काम है। हाँ अच्छा, तू ये बता कि तू मिलने कब आ रही है घर? यहाँ तो तू मिल ली। घर पे आऊंगी बाबा, तुझे पता है ना कितना काम होता है घर में, एक दिन पक्का आऊंगी और ढेर सारा टाइम निकाल के आऊंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। चल ठीक है, बाय बाय। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आप कौन? मैं सनी। सनी इशिका का देवर। अच्छा, इशिका का देवर, ठीक है आइए। जी बैठो। यस। ये लीजिए। कितनी बार फेल हो चुके हो 12th में? शर्माओ मत, बता दो मुझे, मैं टीचर हूँ तुम्हारे। भाभी वो 3 बार। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मेहनत भी बहुत करता हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मुझे मैथ समझ में नहीं आती, इस वजह से हर साल रह जाता हूँ। चलो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ध्यान से पढ़ोगे ना? जी भाभी। पर तुम्हारे साथ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम सच में बहुत वीक हो। चलो आप जो समझा रही हूँ वो समझो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, पढ़ाई पे ध्यान दो। जी भाभी। देखो मैंने ये तुम्हें करने को दे दिया है, कल इसको करके लेके आना, ठीक है? ठीक है भाभी। और टाइम से आना, टाइम से आओगे और पंचुअल रहोगे तभी पास हो पाओगे, वरना इस बार भी फेल हो जाओगे। वैसे भाभी आज आपने जो पढ़ाया ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, मेरे काफी सारे मैथ्स के डाउट्स क्लियर हो गए आज। ठीक है, जाओ। ये तो सच में बहुत वीक है, इशिका सही कह रही थी।
अगर इसने सही से पढ़ाई नहीं करी ना तो ये इस बार भी फेल हो जाएगा। इसके साथ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कल देखते हैं। बोर हो रही हूँ यार बैठे बैठे, अब टीवी भी कितना देखूं। एक काम करती हूँ, उनको कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ जी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस कंपनी के काम में बिजी था, और क्या। आप बस कंपनी के काम में बिजी रहते हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। अरे यार काम भी तो जरूरी है ना, घर भी तो चलाना होता है, तुम तो समझो इस बात को। क्या समझूं, कभी भी नहीं आते जल्दी, हमेशा इतने इतने टाइम बाद आते हो। इस बार जब आऊंगा ना तो कम से कम 6 महीने घर पे रुकूंगा, देख लेना तुम। ऐसे ही बोलते हो हर बार। अच्छा मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ क्या हुआ। वो मैंने ना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। अरे वाह, टीचर बन गए तुम तो, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा अब तो। हाँ फिर क्या करूँ, घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कि ट्यूशन पढ़ा दूँ। अच्छा कितने बच्चे आते हैं वैसे तुम्हारे ट्यूशन पे? कितने नहीं, एक्चुअली एक ही आता है और वो मेरी फ्रेंड है ना इशिका, उसका देवर है। उसका देवर इतना छोटा है? नहीं छोटा तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मैथ्स में वीक है और 12th में है, मेरे ख्याल से 18-20 साल का होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम घर पे अकेले और एक जवान लड़के को ट्यूशन पढ़ा रहे हो? तो क्या हो गया? अरे यार आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, मैं घर पे हूँ नहीं, हो तुम पीछे किसी लड़के को बुला रहे हो, कोई गलत ना समझ ले कोई। अरे आप भी ना आप ज्यादा सोच रहे हो। चलो तुम तो मेरी बात मानोगे नहीं, फिर भी ध्यान रखना जमाना अच्छा नहीं है, ये जवान लड़के ऐसे कुछ हरकत ना करते, बस ये देख लेना। ठीक है आप ना ज्यादा मत सोचा करो, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, सुनो मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ यार, मेरे ना सर बुला रहे हैं। हाँ हाँ कर लो काम, मुझे पता था यही बोलोगे आप। चल बाय। ठीक है बाय। उनको बस काम ही काम रहता है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। देख रहे हो कहां ध्यान है तुम्हारा, 2 दिन से तुम्हें नोटिस कर रही हूं, मुझे घूरे जा रहे हो। कुछ नहीं भाभी, हाँ मैं वो कुछ नहीं समझ रहा था, काफी अच्छे से समझ में आया मुझे, क्लियर हो गया एकदम। सब अच्छे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे घूर रहे हो। सॉरी भाभी। ऐसे पास हो जाओगे तुम, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल ही पढ़ाई पे नहीं है, अगर इसी तरीके से करोगे तो फेल हो जाओगे इस साल भी। सॉरी भाभी वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा सा हाँ गला सूख रहा है भाभी, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए था। तो बोलना चाहिए था ना कि तुमको पानी चाहिए, पकड़ो इसे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, पकड़ो इसे। कितनी खूबसूरत है ना भाभी, और इशिका भाभी बता रही थी कि इनका पति इनसे बहुत दूर भी रहता है, यार मुझसे तो अब कंट्रोल ही नहीं होता बिल्कुल भी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये भी मुझे पसंद करती है, ये तो अपने घर पे इतना बंठन के कौन रहता है, और देखो मेरी कितनी केयर भी कर रही है, चाहती तो मुझे भी भेज सकती थी पानी लाने के लिए लेकिन खुद चली गई, ये भी मुझे बहुत पसंद करती है लगता है, क्या करूँ, बोल दूँ क्या इनको, लेकिन अगर कुछ उल्टा हो गया तो। अरे कुछ उल्टा नहीं होगा, ये भी पक्का मुझे पसंद करती है, एक बार बोल दूंगा ना सारे मैटर सॉर्ट हो जाएंगे, अभी जाके बात कर लेता हूँ।
आपसे ना बहुत प्यार करता हूँ। क्या ये क्या बोल रहे हो? अभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। और इशिका भाभी ने मुझे बताया था कि आपका पति महीनों महीनों बाहर रहता है, इतना तो मुझे समझ में आता है भाभी कि आपको प्यार की बहुत जरूरत है। छोड़ो मेरे हाथ। भाभी मेरी बात को सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? अरे मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी और तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था? तुमने क्या सोचा कि अकेली लड़की हूँ तो तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ? अभी मैं तुम्हारी सारी हरकतें इशिका को बताती हूँ। इशिका भाभी नहीं, भाभी प्लीज इशिका भाभी को कुछ मत बताओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा, प्लीज उनको कुछ मत बोलना। सही कहते हैं मेरे पति, तुम जैसे लड़कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, दिमाग में क्या चलता है तुम्हारे? देखो अभी यहाँ से दफा हो जाओ, पर मैं अभी पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। निकलो यहाँ से और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, दफा हो। क्या हो गया ये आजकल के लड़कों को? मैं उसके टीचर हूँ और साथ ही साथ उसकी भाभी की दोस्त भी, और मेरे बारे में इतनी घटिया सोच। गेट बंद कर देती हूँ, वरना पता लगा कमीना फिर से ना आ जाए।